हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, आई विश यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टडी करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को, आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, रूल कौन सा, आप रूल लिखिए अपना। इफ द आर एस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इफ द आर एस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, देन शेड शेड इज चेंज्ड changed into wished blessed cursed prayed prayed। And comma is replaced by that, comma is replaced by that। क्लियर, आराम से लिखें। आफ्टर राइटिंग रिपीट इट वंस मोर, एक बार रिपीट करें आराम से, अंडरस्टैंड करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यहां आ जाओ। यहाँ जाओ, खुले में आ जाओ। चलिए फिर से अंडरस्टैंड करें, बताता हूँ आपको। आर एस ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो सैड चेंज होता है विश्ड ब्लेस्ड कास्ट एंड प्रेयर्ड में, एंड कोमा दैट से रिप्लेस होता है। अदर जो रूल है वो एज इट इज जो पहले यूज होते आए हैं सेम वैसे ही रहेंगे। देखिए एग्जाम्पल, देखिए ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग।
चलिए बेटे, चलिए। ही विश्ड मी दैट ही विश्ड मी दैट, लिखना नहीं है ओनली समझना है। ही विश्ड मी दैट, यू को चेंज करिए पहले, आई मे माइट लिव लॉन्ग, लिखना नहीं है, मैंने ये पहले कहा आपको। नेहा कर डाला कंप्लीट, मैंने कहा लिखना नहीं है। ओके देखिए, ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, इसको ध्यान देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, मैं ये कहा था पहले भी आपको, चेंज कर रहा हूं। देखिए यहां पे अपन मी को यूज कर लिए और फिर आई फिर से कह रहे हैं हम, तो ये मी हमें क्यों दिया है यहां पे, यू को चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी यू को चेंज करने के लिए, इससे मी दे दिया हमें। चेंज करते समय इनको बार बार ना यूज करके हम यहां पे यूज नहीं करते उसको, यहां पे है क्यों, क्योंकि मी का आई चेंज होता है तो बार बार यूज नहीं करते हैं। तो ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, इस मी को यहां यूज नहीं करते हैं, ये बताना था आपको, इसलिए कहा था कि लिखना नहीं है समझना है पहले। आगे चलूंगा अब तो इस बात का आगे ध्यान रखेंगे आप, बट अगर यूज कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके गलत नहीं होगा, बट डबल यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, नेक्स्ट देखिए, द हर्मिट शेड, द हर्मिट शेड में यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल, आई रिपीट डोंट राइट, फिर बोलता हूं लिखना नहीं है। ओके देखिए, हर्मिट ने सबसे पहले ध्यान देना है क्या कहा, द हर्मिट शेड मे यू ऑल गो टू हेल, हेल कहा है उसने, सो द हर्मिट कर्स्ड, द हर्मिट कर्स्ड दैट दैट, यू को चेंज करिए, यू ध्यान देंगे, यू को चेंज करने के लिए आप अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के लिए हमें ऑब्जेक्ट या नेसेसरी है, होना चाहिए था, बट आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इमेजिन योर ऑब्जेक्ट सेल्फ, अपने ऑब्जेक्ट को खुद ही इमेजिन कर लीजिए, जो मर्जी आए जो इमेजिन कर लीजिए, अगर सही इमेजिन करेंगे तो
हर्मिट के अभिशाप से बच जाएंगे। अगर गलत इमेजिन कर लेते हैं तो आप अपने आप पे ही अभिशाप ले लेंगे, ठीक है। नाउ अपनी बुद्धि काम में लीजिए। अगर आप सही ऑब्जेक्ट इमेजिन करते हैं तो अभिशाप और किसी को लगेगा, श्राप और किसी को लगेगा, और अगर सही बुद्धि काम में नहीं लेंगे तो श्राप को अपने सर पे ले लेंगे। यूज करिए। प्रियांशी भी यूज कर रही है, हैं? खुद के सर पे लेने की इच्छा कर रही है, ध्यान दीजिए, पता लग जाएगा आपको, है ना भाई। ये श्राप दे रहा है कि तुम सब नरक में जाओ, नरक में जाओ भेज रहा है, तो मन से तो कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है। ध्यान दें, क्या इमेजिन करेंगे आप यू को चेंज करने के लिए यहां पे, जिससे कि हम खुद बच जाएं। चलिए देखिए, दैट ओके, यू को चेंज करने के लिए यहां पे आप डैम करिए तो दे बन जाएगा। डैम को लीजिए थर्ड पर्सन, मतलब यहां पे थर्ड पर्सन आप इमेजिन कर लीजिए तो बच जाओगे, अदरवाइज फर्स्ट पर्सन इमेजिन कर लिया तो अस कहोगे या फिर मी कहोगे। मी आप कह नहीं सकते सिंगुलर नंबर, क्योंकि ऑल है यहां पे, देखो यू ऑल, तुम सब, तो प्लूरल नंबर आपको करना है, और प्लूरल नंबर में आप अस करोगे तो यहां पे अस की जगह क्या आएगा, वी। खुद तो डूबोगे, बाकी जो हैं सबको ले ले जाओगे वी कह करके, है ना। इसलिए डैम इमेजिन करिए आप, डैम, तो दे, दे मीन्स वे, और कोई हो जाएगा। ओके, दिव्या इज एब्सोल्युटली राइट, दिव्या ने बहुत सही यूज किया है। देखिए, दे मे को चेंज करिए माइट, दे माइट, आगे आपको आता ही है, ठीक है, लिख दीजिए। एक ऑल वर्ड और है ना, हाँ, ऑल पहले आएगा यहां पे, दे ऑल माइट गो टू हेल, ये बनेगा, क्योंकि ऑल है जो आगे नहीं आएगा, दे माइट ऑल गो टू हेल नहीं होता, दे ऑल माइट गो टू हेल होता। ये ऑल है ना, ये इस यू के साथ है, यू ऑल, तुम सब, बहुवचन बनाने के लिए था ही, है ना। और ये अस कौन काम में ले रहा है, पहले कहा था आपको माइंड यूज करना है ना। चलिए क्लियर, नेक्स्ट लीजिए आप। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, ही सेड टू मी, इसने हमसे कहा है, ठीक है, क्या कहा है, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। यहां पे हेल्प खुद नहीं कर रहा है, ये गॉड से कह रहा है, तो गॉड से क्या कर रहा है, ये प्रे कर रहा है हमारे लिए, ये प्रे करेगा यहां पे, विश भी आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन विश चलेगा नहीं यहां पे, विश में इच्छा चल जाता है यहां पे, विश में सम होता है, शुभकामना देना हो जाता है ऑप्टेटिव में, तो क्या बनाएंगे यहां पे, ही प्रेयर्ड, ही प्रेयर्ड दैट गॉड माइट हेल्प मी, ही प्रेयर्ड दैट गॉड माइट हेल्प मी। इस मी को इसीलिए यूज नहीं किया है, मी यहां पे आ गया,
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आपको बताने की जो बात है उसका ध्यान देंगे आप। देखिए नेक्स्ट आता है रवि शेड, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसमें डिफरेंस क्या क्या है, कैसे आपको बनाने हैं, सुन लेंगे सभी लोग। क्या कर रहा है ये, गुड मॉर्निंग विश करना होता है रवि, विश्ड रवि, विश्ड क्या, गुड मॉर्निंग विश किया है, ठीक है, और किसे किया है, माय फ्रेंड्स है, हिज बन जाएगा, माय का क्या बन जाएगा, हिज। तो डबल टाइप से इसको बनाते हैं, रवि विज्ड, इसको कोमा लगा के जो नाउन होती है वो हमारी आरवी का ऑब्जेक्ट होती है, ये बात पहले आ चुकी है, रवि विज्ड हिज फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फुल स्टॉप। रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, एक तो ये बन गया। दूसरा देखिए इसका क्या बनता है, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड। अगर इसको बाद में काम में लेते हैं तो डबल टाइप से आप इसको बोल सकते हो, दोनों सही है। ओके चलिए, हो गया। इसमें जो मेन आपको बताने का है वो देखिए, ये तो गुड मॉर्निंग का है जिसको हम विश करके बात कर रहे हैं। अगर ये गुड बाय हो, गुड बाय या गुड नाइट, इसमें नहीं है, गुड मॉर्निंग वाले में दैट जरूरी नहीं, दैट यूज होता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग और जो विश वाले हैं इनमें दैट यूज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए उसी को रख लेते हैं हम, देखिए ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, गुड बाय माई फ्रेंड्स, हो गया, मार्क नहीं लगाया, ध्यान देंगे एक बार लिखने से पहले। गुड बाय कभी विश नहीं होता है, क्यों, क्योंकि गुड बाय में हम डिपार्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और अलग होने के मीनिंग में कभी खुशी नहीं होती, अलग होने में कभी खुशी नहीं होती है, इसलिए इसमें विश यूज नहीं होता है।
तो क्या यूज होता है सैड के स्थान पे? बेड यूज होता है, ही बेड। वही तरीका लगा लो, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। ओके, और सेकंड टाइप से एक बार फिर लिखेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे आप इसको फिर से कैसे लिखेंगे आप एक बार और लिखिए। ओके, देखिए बता दिया आपको, माय फ्रेंड्स को आप यहां पे टू हिज फ्रेंड्स में यूज करके भी लिख सकते हैं। ये हो गया सेकंड टाइप। तो बेड कहां कहां यूज करते हैं? एक तो गुड बाय में और एक गुड नाइट में। गुड बाय और गुड नाइट, दो जगह बेड का यूज होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? गुड बाय और गुड नाइट में यूज होता है बेड। चलिए एक एग्जांपल लिख लीजिए आप, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और बना के भी देख लेंगे आता है कि नहीं आता है। आनंद सेट, गुड नाइट कृष्णा। आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा। चेंज कर लीजिए आप लोग इसको। हो गया, हो ही गया, ठीक है? आनंद बेड कृष्णा गुड नाइट, आनंद बेड कृष्णा गुड नाइट। क्लियर? ये हमारा नरेशन जो पॉइंट है कंप्लीट हो गया है। ओके, नरेशन कंप्लीट हो गया है। If you have any doubts, या any doubt, tell me in our next class. मुझे अगली कक्षा में बताना अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो। अब एक्सरसाइज, आपने जितना स्टडी किया है अपने सभी रूल्स को इंक्लूड कर लें, ठीक है? इंक्लूड कर लें, मैं सेंटेंस लिखता हूं, चेंज करते रहेंगे आप, ठीक है? लिखिए।
देखें आप क्या आंसर देंगे इनके, चेक करिए अपने आप को। फर्स्ट द टीचर सेड, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। द टीचर सेड Teacher said, "What a lazy boy you are." Third. He said to her, "Do you believe in God?" He said, "Is this your final word?" Fifth, mother said to Murari, "Who is waiting for you?" Rani said to Rohan, "I came here yesterday
चलिए हो गया, पहले इनको कर लेते हैं आज, है ना, या तुम कर लोगे आज सारे एज ए होमवर्क दे दे इनको, एज ए होमवर्क कर लीजिए आप, है ना। ओके ओके, सिक्स कंप्लीट करिए, आंसर कल करवा देंगे इनके सबके, आज आप होमवर्क में कर लेना इनको, लिखते रहिए।